हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसे कि आप सभी को पता है, आंसर की रिलीज हो चुकी है, तो आपने क्वेश्चन पेपर अपना मैच कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कर लें। तो हम देखने वाले हैं इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि कितना कट ऑफ जा सकता है, सेफ स्कोर कितना होगा जिसमें आपका एडमिशन हो सके। तो हम देखने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स का हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। हम सबसे पहले बीए का कट ऑफ हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीए सिक्स सेमेस्टर। तो हमें पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा, सब हमें समझना होगा, तब जाके हमें अंत में समझ आएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। तो सबसे पहले तो सागर विश्वविद्यालय का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था बीए के लिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश चॉइस करना था, प्लस जनरल टेस्ट सेक्शन थर्ड से आपको चॉइस करना था। केवल यहाँ पे जनरल और लैंग्वेज चॉइस करना था। तो अगर आपने इन सभी सब्जेक्ट ये आपने चॉइस किया है तो यहाँ पर आप बीए के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें हम लैंग्वेज, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे लैंग्वेज में, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके 200 मार्क्स लैंग्वेज के हो जाते हैं। और यहाँ पे जनरल टेस्ट जो है 60 क्वेश्चन आपसे आपको सॉल्व करने थे, यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे। तो यहाँ पे आपके 300 मार्क्स जो हो जाते हैं जनरल टेस्ट के हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर की बात करें तो 500 मार्क्स आपके हो जाते हैं, जो कि आपका कट ऑफ जो बनेगा आपका 500 मार्क्स से आपका कट ऑफ निकलेगा। तो यहाँ पे बीए की सबसे पहले सीट की बात करें तो बीए में जो सागर विश्वविद्यालय में सीट्स हैं वो 806 यानी 806 सीट्स हैं बीए के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। फिर इसमें आपको इकोनॉमिक्स लेना है, पॉलिटिकल साइंस से बीए करना है, जो भी आप करना चाहते हैं। इसमें से फिर ग्रुप डिवाइड होते हैं, जो अलग अलग सीट निर्धारित रहती हैं सभी ग्रुप के लिए। लेकिन टोटल सीट की बात करें तो 806 सीट्स हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा आसानी से। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। तो यहाँ तो हमने देख लिया लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के टोटल मार्क्स। अब हम बात कर लेते हैं 500 मार्क्स में से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या निकलेगी, और हम बाद में देखेंगे कट ऑफ। तो हम पहले कट ऑफ देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जनरल की बात करें तो यहाँ पे 350, यहाँ पे अगर आपके 350 मार्क्स आए हैं जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, सेफ स्कोर बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो लो स्कोर देखें तो यहाँ पर 200, जैसे कि हम बात करें ये 350 से 200 क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 350 और लोएस्ट 200, क्योंकि यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे, काउंसलिंग में बार बार आपके जो फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, जब तक सीट फिल नहीं हो जाती हैं ऐसी राउंड होते रहते हैं। तो फर्स्ट राउंड में जो जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनके लिए एडमिशन मिलेगा, फिर जो ज़्यादा मार्क्स वालों का एडमिशन हो जाएगा, फिर जिन कम मार्क्स वाले बचेंगे तो उनका होगा, फिर जिसके और कम हैं, तो ऐसे कम मार्क्स होते जाते हैं राउंड वाइज। तो यहाँ पर लो मार्क्स बताया गया, अगर आपके 350 से 200 मार्क्स के बीच में हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। तो हम एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 300, यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 300 और लोएस्ट की बात करें तो 150, अगर आपके इस इनके बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि बीए में बहुत ज़्यादा सीट हैं, 806 सीट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्स, जैसे कि बी एलएलबी में 53 सीट हैं, बीए बीएड में 50 से 60 सीट हैं। तो ऐसे जिनने बीए के लिए अप्लाई किया होगा, बीए बीएड के लिए भी किया होगा, बीएलएलबी के लिए भी किया होगा, तो ऐसे में छात्र बहुत से जो हैं कि बीए में हो जाता है, बीए बीएड में हो जाता है, तो ऐसे दूसरे कोर्स में भी एडमिशन ले लेते हैं। एससी की बात करें तो यहाँ पे 200 जो हाईएस्ट कट ऑफ होगा और लोएस्ट जो है 100 मार्क्स हो सकता है।
नेक्स्ट जो है एसटी, एसटी की बात करें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ हो सकता है 200 मार्क्स और लोएस्ट 110 मार्क्स, तो इनके बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप को चिंता करने की बात नहीं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। आप प्रीवियस कट ऑफ भी देख सकते हैं 2022 का CUET 2022 का जो सागर विश्वविद्यालय में कट ऑफ रहा है वो देख सकते हैं आप यूट्यूब पे सर्च करके। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो कम क्यों रह सकता है, तो हम देख लेते हैं क्यों कट ऑफ कम जा सकता है। तो सबसे पहले तो एक कारण है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आपने देखा होगा CUET में जो आपका पेपर था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन था और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स थी, सॉरी नेगेटिव मार्क आपके 4 मार्क्स थे। और बात करें दूसरा जो है, जैसे कि एक छात्र है तो जो छात्र BA के लिए अप्लाई करता है तो वो BA LLB के लिए भी करता है, BA BEd के लिए भी करता है, तो अगर BA LLB में हो जाता है तो वो BA में एडमिशन नहीं लेगा, तो ऐसे में सीट खाली रहती है, क्योंकि जो अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो वो वहीं पे एडमिशन लेगा। अगर बात करें हम, बहुत से छात्र BA में एडमिशन ले लेते हैं फिर बाद में छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे में अगर बहुत सी सीट खाली हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे रेगुलर जाना पड़ता है तो बहुत से छात्र छोड़ देते हैं। तो जैसे फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया और वो सेकंड थर्ड राउंड तक कैंसिल करवा लेते हैं एडमिशन, तो ऐसे में सीट वैकेंट हो जाती है, तो वहाँ पे फिर से एडमिशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे बात करें हम, बहुत से छात्र जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, पेपर देते हैं वो लोग, लेकिन बाद में उनका मूड चेंज होता है, मन बदल जाता है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा छात्र एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि संभव भी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सबका एडमिशन हो पाए। कुछ गिने चुने छात्रों का ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, तो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ता है, तो ऐसे में छात्र जिनने पेपर भी दिया है वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, इसलिए छात्र की संख्या कम हो जाती है और यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और आप जो काउंसलिंग होती है वो फर्स्ट राउंड कुछ बच्चे करवाते हैं, फिर सेकंड राउंड करवाते ही नहीं, लेकिन अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें, थर्ड राउंड में, क्योंकि यहाँ पे जो स्कोर है वो कम होता जाता है, तो आपके जो एडमिशन होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, हमने समझाने की कोशिश की। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था कि यहाँ इतना कट ऑफ जा सकता है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और कोर्स के बारे में कट ऑफ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और आपके कितने मार्क्स आए हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं BA में किसके कितने मार्क्स आए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे आपको पता चलेगा कि जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं काउंसलिंग में के बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी आंसर की रिलीज हो गई तो आपने मार्क्स देख ही लिए हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।